भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 19वीं शताब्दी के राजपूत सम्राट मेहरभोज प्रतिहार को गुज्जर समुदाय से जोड़ती हुई एक प्रतिमा का अनावरण करने का प्रयोजन है। क्षत्रिय समाज पहले से ही हरियाणा, MP, उत्तराखंड में हमारे इतिहास और हमारी पहचान के साथ छेड़छाड़ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रयासों से क्रोधित है। इस तरह का प्रयोजन क्षत्रिय समाज के खिलाफ सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र प्रतीत होता है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह के प्रयोजन आगामी चुनाव में क्षत्रिय समाज द्वारा सकारात्मक रूप से नहीं लिए जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज की जनसंख्या 14% से अधिक है और हमारा समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है, लेकिन हमारे पूर्वजों का सम्मान और हमारी पहचान सर्वोपरि है और इस तरह की विकृति से सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ने के लिए तैयार है। सत्ता में बैठे लोग किसी भी समुदाय के खिलाफ इस तरह के दबाव दुर्भावपूर्ण प्रचार का समर्थन नहीं करना चाहिए। यह हमारे अधिकारों के उल्लेखन और हमारे इतिहास को विकृत करने का एक स्पष्ट मामला है। क्षत्रिय समाज में इतिहास के इस विखंडन पर गहरा रोष है। हम इसका जवाब आगामी चुनाव में अवश्य देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना और अन्य हमारी जो संस्थाएं हैं, राजपूत संस्थाएं, क्षत्रिय संस्थाएं, वो आज यहाँ प्रेस के माध्यम से ये मांग करती हैं कि 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और गुज्जर जो है उनको गुज्जर जाति के नाम से उनको लिख के उस अनावरण को कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं और योगी जी से, प्रदेश की सरकार से और केंद्रीय सरकार से मांग करते हैं कि वो इसको रोके, तुरंत हस्तक्षेप करें और योगी जी को इस तरह के प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। अगर वो आएंगे तो राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज जो है इसके बारे में लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा और पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। आज 18/9/2021 को जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह तंवर जी ने, जो आज हमारे आप जो गुर्जर समाज है, जो प्रतिहार मिहिर भोज जी को जो अपने समाज का बता रहा है, उनकी मूर्ति का अनावरण आपका दादरी नोएडा में होने जा रहा है, तो इसके विरोध में हमारे पूरे देश के पूरे राजपूत इस विरोध में खड़े हैं और उसका आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो जो इसका विरोध, हम पीसफुल तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और आज हमने अपनी मीडिया पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं उसका हमने सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे सरकार को ये अवगत हो कि वो जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये हमारे क्षत्रिय समाज से थे, लेकिन हम क्षत्रिय समाज के लोग पूरे समाज को, पूरे देश के सभी लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, तो हम उन्हें ये कह रहे हैं कि आप उन्हें किसी जाति में न बांटें, उन्हें आप सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज जी के नाम से आप उनका अनावरण करिए। हम राजपूत समाज के लोग हैं, हम किसी जात और धर्म में कभी भी हम विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर हमारी जात के साथ और हमारे पूर्वजों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीतिक चीज़ों को देखें, हम सामाजिक लोग हैं और समाज से जुड़े हैं, हमारा समाज में जन्म हुआ है, तो हम यही चाहेंगे कि वो इसकी छानबीन करें, पहले सर्च करें, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की राजनीति, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जहां वो आना चाहते हैं वो आएं, लेकिन उससे पहले वो सर्च करें। अगर उन्हें लगता है कि वो गुर्जर समाज के महापुरुष हैं तो उन्हें वो सर्च करना चाहिए, और अगर उन्हें लगता है क्षत्रिय समाज के महापुरुष हैं तो उन्हें नहीं आना चाहिए। देखिए, इसका विरोध दिन पे दिन बढ़ेगा और कोई भी क्षत्रिय समाज का कोई भी इंसान यूपी में बीजेपी को वोट नहीं करेगा। BCN न्यूज के लिए दिल्ली से संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।